जय श्री राम भाइयों। तो लहसुन की बोनी लगभग लगभग चालू होने वाली है 10 से 15 दिनों के बाद, ठीक है। तो लहसुन के रेट को देखते हुए, ठीक है, लहसुन के रेट को देखते हुए जो चम्मच वाली मशीनें हैं भैया, ठीक है, बोनी के लिए जो चम्मच वाली मशीनें आ रही है पिछले 3-4 सालों से, उनका ट्रेंड इस साल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है भैया, ठीक है। समय और मांग के हिसाब से लहसुन का रेट ज़्यादा है, तो इस वाली जो सीडिल है, मतलब इस टाइप की जो सीडिल हैं, जो चम्मच वाली जिसको बोलते हैं, उनमें अगर लहसुन अपन बोनी करते हैं, इन सीडिलों से अगर अपन लहसुन बोनी करते हैं, तो निश्चित ही कहीं ना कहीं बीज की बचत है, ठीक है। मान लिया जाए कि उदाहरण के लिए अपन देखें, जैसे जो फास्ट चलने वाली यानी कि बिना चम्मच वाली जो रोटर वाली सीडिलें चलती थी, उसमें कहीं ना कहीं बीज की जो दर रहती है बीघे के हिसाब से वो ज़्यादा पड़ती है ना। एक उदाहरण के तौर पे अपन देख लें कि बीघे की करीब करीब 4-4.5 कट्टी अगर उसमें नहीं पड़े तो खेत अच्छे से दिखता नहीं है भैया, ठीक है। तो उस चीज़ को, उस चीज़ के निराकरण के लिए पिछले 4 साल से करीब अपन देख रहे हैं कि हमारे क्षेत्रों में लहसुन की सीडिल ये वाली जो है चम्मच वाली बहुत फेमस हुई है, ठीक है, बीज की बचत है। टीके एग्रो प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, ऑटोमेटिक लहसुन प्लांटर। तो बहुत सारी जैसे चेन वाली, चेन में लोहे की चम्मच वाली, ठीक है, लेकिन इस मशीन में क्या है, इस मशीन में अलग से ये चीज़ है भाइयों कि इसमें जो चम्मच चल रही है, ठीक है, वो चम्मच बेल्ट पे है, ठीक है भाइयों। तो इस वाली मशीन की अपन पूरी जानकारी लेंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। कहाँ रहते हैं और क्या नाम लिखते हैं? धर्मेंद्र पाटीदार। पूरा एड्रेस बताएं अपना। धर्मेंद्र पाटीदार, गांव कोई जी, तहसील बदनाव, जिला धार। तो सबसे पहले तो बधाई भाई साहब आपको नई सीडिल के लिए। तो भाई साहब बताएं कि जैसे ये सीडिल चल रही है 4-5 सालों से चम्मच वाली हम सुनते आ रहे हैं, तो इस साल अचानक ये नई लेने का क्या प्लान बन गया? अपना ऐसे प्लान चल रहा था, कुछ सिस्टम नया ढूंढना है। हाँ हाँ। और उसको व्यवस्थित चलाना है। अच्छा। चलाना तो बहुत है। अच्छा। कि वो चलाने में फर्क पड़ता है हर चीज़। अच्छा अच्छा। तो क्या खासियत देखी आपने इसमें? इसमें एक 100% मतलब 90% को सिंगल कलिया उठाती है। अच्छा अच्छा। 90% जो कलिया उठाएगी वो सिंगल कलिया होगी। हाँ, तो डबल उठाएगी, ठीक है। उससे क्या फायदा है? उससे ये फायदा है कि माल की क्वालिटी बनेगी, बीज की बचत लगेगा, बीज की बचत और दूरी सेम फिक्स रहेगी। अच्छा। आप इसको 3-4-5-6 गाले डाल सकते। बिल्कुल। तो इसमें भाई साहब जैसे मार्केट में हम देख रहे हैं के 3-4 तरह की मशीनें आ रही है, तो आपने यही पसंद क्यों करी? इसमें ये फायदा है सर, इसके बेल्ट जाम नहीं होते। बेल्ट जाम नहीं होते, चेन में धूल जाती है वो जाम होती है चेन में, और अच्छा। वाइब्रेट करती है, वाइब्रेट करती है। इसमें वाइब्रेट नहीं, इसमें 125 बेरिंग है। 125 बेरिंग है। अच्छा अच्छा। इस वाइब्रेट कभी नहीं करता है, ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। जी, बेल्ट वाइब्रेट नहीं करता है, चेन में धूल जाएगी तो टाइट होगी। और इसके अलावा और क्या खासियत लगी आपको? पहली बार आप मतलब सीडिल चला था घनश्याम का ही था, है ना? उसमें भी एक कुंटल, वो रोटर सिस्टम है उसमें, बाकी उसमें भी एक कुंटल 20 किलो ही कली डालता था। अच्छा अच्छा। और एक्यूरेट टोटल सिंगल कली, क्वालिटी के हिसाब से चेंजेस करती है, ठीक है भाई। तो अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो अपन ये देखते हैं कि मैं देख रहा हूँ कि इसका जो क्या कह सकते हैं, जो बिल्ड क्वालिटी है, ठीक है, बिल्ड क्वालिटी यानी कि फिनिशिंग जिसको बोलते हैं, फिनिशिंग बहुत ज़बरदस्त है ना। कहीं भी अपन देख लेते हैं जैसे पाउडर कोटेड टाइप ये सीडिल पूरी लग रही है। हाँ, बिल्कुल। क्या है कि जैसे कि वेल्डिंग वगैरह है ना, साफ़ सफाई, कलर वगैरह, फिनिशिंग, कुल मिला के जो फिनिशिंग है वो बहुत अच्छी है। उसके बाद इसमें दूसरी खासियत मैं देख रहा हूँ भैया कि प्लास्टिक का उपयोग ज़्यादा कर रहा है ना, ट्रांसपेरेंट जो है। हाँ, ये तो है फाइबर का बना हुआ है, वो ट्रांसपेरेंट मतलब जो कलिया उठाएगा, यहाँ से जो उठाएगा वो गिरती हुई कलिया आपने को बिल्कुल आराम से दिखेगी, ठीक है। नलचुड़े भी इसके प्लास्टिक के हैं, ठीक है। चेचेस भी बढ़िया हेवी बना हुआ है। और भैया बता रहे हैं कि इसमें जो बेरिंग है, बेरिंग की संख्या बहुत ज़्यादा है। कितने बेरिंग लगे इसमें? 125 बेरिंग लगे हुए हैं, ठीक है। पटिया का सिस्टम इसमें सामने दे रखा है, काफ़ी हेवी है, ठीक है। एडजस्टेबल यहीं से ये हो जाएगा। अच्छा 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 अच्छा। अगर मान लिया जाए कि टूटता है तो उसके कितने में मिलेगा वो? 2100 रुपये एक बेल्ट। एक बेल्ट का 2100 रुपये और उसी के यहाँ मिलेगा, दूसरी जगह नहीं मिलेगा, टूटते नहीं, आवश्यकता। चलो, ये भी पॉइंट जो है नोट करने वाली बात है। तो इसमें अपन देख रहे हैं भाइयों जैसे ग्लास दे रखे हैं, ठीक है, 19 टाइन है, 19 दांते की सीडी ले है, ठीक है। और प्लास्टिक का उपयोग बहुत ज़्यादा करा गया है, ठीक है। पिछली बार हाँ। बार इसकी ये पिछली बार जो थी ना, हाँ, डालने भी धरा थी। अच्छा अच्छा। इसको पास कर दो, इसको दूर कर दो। अच्छा 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 अच्छा। इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है।
पेटी पेटी की जो विड्थ है, पेटी की चौड़ाई कम करी, इसकी कम कर दी। ठीक है ठीक है। हाँ वो तो क्या है कि जैसे जैसे मशीनें चलती है, ठीक है, जो समस्या आती है किसान उसको फीडबैक देता है तो उसमें सुधार होता जाता है। वो भी कर दिया उसके बाद, पहले क्या है कि इतनी होती तो गली उठाता था। अच्छा, अभी केवल खांचे की भी गली उठा के फेंक रहा है। खांचे की भी देगा, कारण क्या है कि एक तो उसमें जैसे कि जो है लहसुन जमेगी भी नहीं, क्योंकि इसमें जहाँ जहाँ चेन है वहाँ वहाँ जो है इसकी कटिंग कर दी है। ठीक है, जहाँ जहाँ चेन दे रखी है वहाँ वहाँ कटिंग कर रखी है। 500-700 ग्राम गली बची थी इसमें। अच्छा अच्छा, ठीक है। और इसमें जो मेन खासियत है भैया वो है बेल्ट। ठीक है, बेल्ट पे बनी हुई है और बेल्ट चम्मच की बनावट अपन देख सकते हैं। ठीक है, इसका मैकेनिज्म अपन जानते हैं, रोटर घूमेगा, मशीन चलेगी तो यहाँ से ये कली उठाएगी, मोड़ पे आके अगली जो चम्मच है उसकी पीठ पे बिठा देगी, यहाँ तक ला के इसको यहाँ गिरा देगी। ठीक है भाइयों, दांते से दांते की जो दूरी है 4 इंच पे है, 19 दांते की सीढ़ी है। ठीक है, और जो इसका टाइन है पूरा हेवी पाइप का बना हुआ है भैया। ठीक है, दांता अलग से नहीं है, पूरा इसमें जो ये नली है, पाइप है, ये हेवी है। ठीक है, कोचली की बनावट अपन देख सकते हैं। ठीक है, पिछली बार जो था इसमें क्या है कि रोटर सिस्टम नहीं था, इस बार ये रोलर सिस्टम कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर खड़ा होकर अपन इसको जो है पूरा देख सकते हैं अंदर लहसुन वगैरह डालने के लिए, कम ज़्यादा डालने के लिए। ठीक है, गली से गली की जो दूरी है कम ज़्यादा करने के लिए 4 गियर दे रखे हैं। ठीक, यहाँ से जो है इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ढीला करके आप गियर यहाँ से बदल सकते हैं। ठीक है भैया, ये पूरा सिस्टम अपन यहाँ से देख सकते हैं। व्हील जो है अच्छे से घूमे, जाम नहीं हो, उसके लिए 2 स्प्रिंग दे रखे हैं ताकि ये इसको दबा के रखें। ठीक है ठीक है, पूरा प्लास्टिक है, अधिकतर प्लास्टिक यहाँ से देख सकते हैं अपन। ठीक है, और इसका जो गियर बॉक्स है ना, ड्राइव बॉक्स जिसको बोल सकते हैं अपन, गियर ड्राइव, वो यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, ये यहाँ से जो है इसका ड्राइव, ठीक है, इस वाली रोड से ये ड्राइव यहाँ जा रहा है ना, और ये जो है गियर बॉक्स यहाँ पर, और ये उसको पीछे वाले को ड्राइव देगा। ठीक है, बढ़िया डिज़ाइन है। तो दिलीप जी, मशीन को देखते हुए आपको क्या लग रहा है, क्या मशीन आज के हवा में तो मशीन बहुत बढ़िया है। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। मशीन के साथ साथ जो पहिया पीछे का दे रहा है, इसकी जगह थोड़ा सा आगे एडजस्टमेंट कर सकता है कंपनी। अच्छा, तो 100 में से 100% अच्छा हो सकता है। ठीक है, एग्रो प्राइवेट लिमिटेड इंदौर की बनी हुई है भाइयों, बढ़िया लेजर कटिंग से इसकी जो है कटिंग कर रखी है, फिनिशिंग बहुत अच्छी है भाइयों, है ना, कलर वगैरह बढ़िया है, मजबूत बहुत लग रही है। ठीक है, मजबूत बहुत अच्छी है, ये बात तो इसमें तो कोई दोहराई नहीं है। ठीक है, बाकी जो किसान भाई है अपने विवेक से, ठीक है, अपन खुद जाके जहाँ पर मशीनें चल रही है, चाहे वो चेन वाली हो या पट्टे वाली हो, वहाँ पर रुक के देख के, ठीक है, अपने विवेक से उसको सोच समझ कर ही खरीदे। ठीक है, मशीनें सब अच्छी है, ठीक है, मशीनें कोई भी फेल नहीं है। ठीक, सिर्फ सेटिंग जो है वो सेटिंग सही होना चाहिए। ठीक है, और असली जो इंजीनियर है वो किसान ही है भाई। ठीक है, तो यही था वीडियो, जैसी भी वीडियो लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों। जय श्री।